इंडिया टीवी आपकी आवाज। बिहार के अररिया में पत्रकार विमल यादव की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने घर में घुसकर मारी गोली। पुलिस ने शुरू की जांच, बदमाशों ने कई बार पत्रकार को दी थी धमकी। 4 साल पहले भाई का भी हुआ था मर्डर। मर्डर पर बोले अररिया एसपी, कहा मौके पर डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। अररिया में जर्नलिस्ट की हत्या को सीएम नीतीश कुमार ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, अधिकारियों को दिए गौर करने के निर्देश। दमनदीव में क्षेत्रीय पंचायती राज सम्मेलन, जेपी नड्डा का संबोधन, कहा पीएम मोदी ने बदला भारत का पॉलिटिकल कल्चर। पीएम मोदी ने भी किया संबोधित, कहा हम संगठन मूल्यों समर्पण में करते हैं विश्वास, सामूहिक जिम्मेदारी से बढ़ रहे हैं आगे। पीएम मोदी का बयान, कहा लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव जितनी मजबूत उतना ही शिखर पर जाएगा लोकतंत्र। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा, आप विधायक नरेश बालियान मामले पर अल्पकालीन चर्चा की मांग। दिल्ली के बीजेपी विधायक ओपी शर्मा का बयान, विधानसभा में दिल्ली बिल पर चर्चा के अलावा क्या कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। आपसे गठबंधन पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, दिल्ली की 7 सीटों पर करेंगे तैयारी, हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते। 20 अगस्त को मध्यप्रदेश के दौरे पर जाएंगे होम मिनिस्टर अमित शाह, पार्टी नेताओं के साथ विधानसभा चुनावों पर करेंगे चर्चा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा बीजेपी चुनाव के लिए तैयार, कांग्रेस ने कहा था चुनाव से 1 साल पहले घोषित करेंगे प्रत्याशी लेकिन ऐसा किया नहीं। कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर चार्जशीट की जारी, सीएम को बताया ठगराज, कहा पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार का शिकार। छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज से बीजेपी उम्मीदवार रामविचार नेताम का बयान, लोग पहले ही बीजेपी को चुनने का बना चुके हैं मन। छत्तीसगढ़ के बस्तर से बीजेपी प्रत्याशी मनीराम कश्यप का कांग्रेस पर वादे पूरा न करने का आरोप, कहा किसी क्षेत्र में नहीं हुआ विकास। छत्तीसगढ़ की पाटन सीट से बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल का बयान, पार्टी ने झूठे और भ्रष्ट सीएम के खिलाफ लड़ने का दिया मौका। मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव में दारा सिंह चौहान का नामांकन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री रहे मौजूद। दारा सिंह चौहान के नॉमिनेशन के बाद बोले ब्रजेश पाठक, बीजेपी बड़े अंतर से जीतेगी घोसी उपचुनाव। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान पर अखिलेश का अटैक, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का किया था विरोध, ये बात छिपाने के लिए लगवाते हैं झंडा, कहा। ईएसी चेयरमैन विवेक देवरॉय के नए संविधान वाले बयान का मायावती का ट्वीट, कहा केंद्र सरकार को करनी चाहिए कार्रवाई। चित्रकूट जेल में बंद एसबीएसपी विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकट रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर दी बेल। लद्दाख के दौरे पर ले पहुंचे राहुल गांधी, पार्टी कार्यकर्ताओं की डिनर पार्टी में आज होंगे शामिल। राहुल गांधी 20 अगस्त को पैंगोंग लेक जाएंगे, नुब्रा घाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी 25 अगस्त को करगिल मेमोरियल का करेंगे दौरा, शिया मुस्लिमों के साथ करेंगे मुलाकात और बौद्ध मॉनेस्ट्री भी जाएंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम बम्बई का सीएम सिद्धारमैया पर अटैक, बोले कांग्रेस सरकार ने किसानों को दिया धोखा। कर्नाटक तमिलनाडु में कावेरी जल विवाद पर बोले पूर्व सीएम कुमार स्वामी, हमारे किसानों के लिए पानी भी जरूरी। आम चुनाव के चलते राज्य सरकार उछाल रही है मुद्दा, कावेरी जल विवाद पर बोले केआरएस पार्टी चीफ रवि कृष्ण रेड्डी। सीएम शिंदे को आदित्य ठाकरे ने बताया डरपोक, शिंदे में चुनाव का सामना करने की हिम्मत नहीं है, कहा। रिवाबा जाडेजा से विवाद पर जामनगर सांसद पूनम बेन की सफाई, पार्टी परिवार की तरह आपस में हुई थी कुछ गलतफहमी। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की मांग, नीट पर बैन लगाए केंद्र सरकार, 5-6 साल में 20 स्टूडेंट्स ने किया सुसाइड। वाईएसआरटीपी चीफ वाईएस शमिला को तेलंगाना के गजवेल जाने से रोका गया, शमिला ने विरोध में पुलिस को उतारी आरती। लालू यादव की बेल को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज, बेल कैंसिल करने की मांग, रांची हाईकोर्ट ने दी थी जमानत। मणिपुर पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, काफी हद तक शांति बहाल करने में हुए सफल, लगातार प्रयास भी जारी। मणिपुर दौरे पर सीपीआईएम के नेताओं का डेलीगेशन, सीताराम येचुरी के साथ 4 नेता, 20 अगस्त तक कई इलाकों में जाएंगे। सीताराम येचुरी का बयान, मणिपुर में शांति के लिए प्रयास करेंगे, मणिपुर के सीएम को बर्खास्त करने की मांग। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर आरोप, बीजेपी के लिए मणिपुर महत्वपूर्ण नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट राज्यों के साथ धोखा। सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम पर का पीएम पर आरोप, कहा उन्हें और बीजेपी को मणिपुर की चिंता नहीं, महिलाओं पर हुए अत्याचारों पर सरकार थी चुप। सेना की पैंथर डिवीजन ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर किया सेमिनार, सैन्य नजरिए से हर पहलू को समझने के लिए कार्यक्रम। बेंगलुरु में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया शुभारंभ। अश्विनी वैष्णव बोले प्रगति के लिए देश के पास निर्णायक नेतृत्व, लोगों की क्षमताओं पर भरोसा। वाराणसी में U20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन, सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हुए शामिल। वाराणसी में U20 में बोले अनुराग ठाकुर, G20 देशों में सहयोग को बढ़ावा देने में भारत की अहम भूमिका। गांधीनगर G20 हेल्थ मीटिंग पर बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, कहा G20 डेलीगेट्स ने भारत के हेल्थ मॉडल को सराहा। G20 मीटिंग के लिए सुरक्षा तैयारियों पर दिल्ली पुलिस PRO सुमन ललवा का बयान, पूरी सतर्कता के साथ बड़े स्तर पर बनाई गई है योजना। ग्रेटर नोएडा के CRPF सेंटर पहुंचे अमित शाह, वृक्षारोपण अभियान के तहत 4 करोड़ में पौधे का किया प्लांटेशन। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की रेड, बटिंडी इलाके में टेरर फंडिंग केस में तलाशी जारी।
शोपियान में भी छापेमारी कर रही है एनआईए की टीम। टेरर फंडिंग मामले में संदिग्ध घरों के लिए जा रही है तलाशी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना, बीएसएफ और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लश्कर के दो आतंकी सहायक अरेस्ट। दो राउंड पिस्टल, कारतूस और गोले भी बरामद। शामली में नौकुआर रोड में आतंकी कलीम अरेस्ट। आपत्तिजनक चीजें बरामद। आईएसआई को भेज रहा था रक्षा संस्थानों की फोटो। पिछले साल पाकिस्तान में पिस्टल के साथ पकड़ा गया था कलीम। 10 अगस्त को ही पाकिस्तान से आया था भारत। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज से 3 दिवसीय नेपाल दौरा। नेपाल में 21 अगस्त तक सजेगा दिव्य दरबार। बाबा बागेश्वर का पशुपतिनाथ मंदिर में आज शाम 6 बजे से दर्शन और प्रवचन का कार्यक्रम। 19 से 21 अगस्त तक चितवन में हनुमंत कथा होगी। नेपाल के बड़े कारोबारी वरुण चौधरी के बुलावे पर बाबा बागेश्वर का दौरा। यात्रा से पहले कहा नेपाल हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। जम्मू कश्मीर में आज से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू। जम्मू से श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अगले 11 दिनों तक चलेगी यात्रा। एडीजीपी ने दी इन्फॉर्मेशन। दिल्ली एयरपोर्ट पर विस्तारा फ्लाइट की तलाशी। बम की खबर निकली झूठी। एफआईआर दर्ज कर कॉलर की तलाश में जुटी पुलिस। कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर्स के कमीशन आरोपों की होगी जांच। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में सरकार ने बनाई कमेटी। बिहार में पेपर लीक का एक और मामला आया सामने। अमीन बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल। अभ्यर्थियों ने अधिकारियों से की शिकायत। दिल्ली में साइबर सेल के डीसीपी के नाम से लोगों को किए गए थे फर्जी ईमेल। बाल अपराध की सजा में बढ़ोतरी को लेकर जारी किया नोटिस। बेंगलुरु में हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेलिंग का खुलासा। मॉडल और उसके 3 साथी गिरफ्तार। इंटरनेट पर दोस्ती कर जाल में फंसाती थी। कोची में लेडीज टॉयलेट में बुरखा पहनकर घुसने वाला गिरफ्तार। मोबाइल से वीडियो बनाने का भी आरोप। जेल भेजा गया। नागपुर में हिट एंड रन केस। कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। कार में फंसी बाइक को 3 किलोमीटर तक घसीटा। एक्सीडेंट में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने दर्ज किया केस। कार ड्राइवर की तलाश। इंदौर के कृष्णबाग कॉलोनी में पड़ोसियों में विवाद। एक शख्स ने लाइसेंसी बंदूक से की फायरिंग। 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बंदूक बरामद। डॉग्स की लड़ाई के बाद दोनों परिवारों में हुआ झगड़ा। लखनऊ में युवक ने लिव इन पार्टनर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के सामने किया सरेंडर। सुशांत गोल्फ सिटी इलाके का मामला। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक यात्री अरेस्ट। बैग में नटबोल्ट के रूप में 267 ग्राम क्रूड गोल्ड बरामद। मुंबई के घाटकोपर इलाके में गुरुवार की रात भयंकर आग लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। घाटकोपर के इंडस्ट्रियल इस्टेट में मौजूद इमारत में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां और 4 वाटर टैंकर्स ने आग पर पाया काबू। इमारत में आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दौसा में पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज। विवाहिता ने लगाया आरोप। महिला से दुष्कर्म करके कांस्टेबल को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। मौके पर जमकर की धुनाई। पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद में मोबाइल शॉप संचालक की दिनदहाड़े हत्या। आरोपियों ने शव को बोरे में बंधकर मृतक की स्कूटी पर रखा। पुलिस को सड़क किनारे खड़ी मिली स्कूटी। वारदात से पूरे इलाके में फैली सनसनी। मृतक के सिर पर चोट के निशान। किसी भारी चीज से हमले की आशंका। हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मुंबई क्राइम ब्रांच ने लाखों रुपए की ड्रग्स के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार किया। कॉलेज क्लब और बार में ड्रग्स सप्लाई करता था गैंग। आरोपियों के कब्जे से 17 लाख रुपए भी बरामद। 2 कार और 1 बाइक भी मिली। गिरफ्तार आरोपियों में से 3 के खिलाफ 13 मामले दर्ज। एनडीपीएस के हैं ज्यादातर मामले। हैदराबाद पुलिस ने नाइजीरियाई ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से भारी मात्रा में नशे की गोलियां बरामद। पुलिस ने तस्कर के पास से करीब 10 लाख रुपए की 264 नशे की गोलियां की जब्त। पुलिस ड्रग पैडलर के नेटवर्क की कर रही है जांच। कोटा में बढ़ते सुसाइड केसेस पर हॉस्टल एसोसिएशन का फैसला। हॉस्टल और पीजी में लगाए गए स्प्रिंग लोडेड पंखे। अंडमान सागर में दोपहर 12:07 पर आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता। शिमला में लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन। एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने सेना के साथ 80% इलाके में पूरी की सर्च। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से तबाही पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। जानमाल के नुकसान को कम करने पर जुटी सरकार। छत्तीसगढ़ ने हिमाचल प्रदेश के लिए दी 11 करोड़ रुपए की मदद। बाढ़ बारिश से तबाही पर सीएम बघेल का ऐलान। देहरादून में भारी बारिश से कालूवाला इलाके में भरा पानी। कई घरों में फंसे लोग। एसडीआरएफ ने फौरन शुरू किया रेस्क्यू। कोटद्वार में भारी बारिश से उफनाई माला नदी। जलस्तर बढ़ने से फंसा ट्रक। चमोली में भारी बारिश से उफनाई प्राणमती और पिंडार नदी। कई घर मंदिर और फसलों को भारी नुकसान। पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ के हालात। राहत बचाव के कार्य में जुटी आर्मी और एनडीआरएफ की टीम। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। ट्रैक्टर के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। आर्मी की 4 कंपनियां बाढ़ वाले इलाके में तैनात। लोगों तक पहुंचा रही राहत सामग्री। लोगों को रेस्क्यू कर सेफ जगह पहुंचा रही है। पंजाब के कपूरथला में बाढ़ के हालात। कई गांवों में भर गया पानी। फसलों को पहुंचा नुकसान। जालंधर में भी बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ी। पानी में डूबी सड़कें। लोग रेत की बोरी बनाकर रख कर बना रहे हैं रास्ता। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी उफान पर। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। जारी किया गया अलर्ट। मुरादाबाद के कई गांवों में बाढ़ के हालात। सड़कों के ऊपर से बह रहा है पानी। लोगों के घरों में घुसा है बाढ़ का पानी। मेरठ के हस्तिनापुर में बाढ़ से बिगड़े हालात। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। राहत बचाव कार्य का जायजा लेने पहुंचे एसडीएम। एसडीएम ने बाढ़ प्रभावित गांवों का किया दौरा। राहत बचाव के कामों के लिए जानकारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। निचले इलाकों में भरा पानी। गंगा किनारे घरों में भर गया पानी। ओडिशा के भद्रक में आकाशीय बिजली से मचा कोहराम। 11 लोगों की मौत। 10 लोग गंभीर रूप से घायल। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। सिम कार्ड डीलर्स का पुलिस वेरिफिकेशन किया अनिवार्य। बल्क कनेक्शन पर लगाई रोक।
संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। 67,000 डीलर्स को किया गया ब्लैकलिस्ट। 52 लाख मोबाइल कनेक्शन काटे गए। भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच आज मेलाइड में होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक बनी पाकिस्तान की मंत्री। मानवाधिकार मामलों पर कार्यवाहक पीएम की स्पेशल एडवाइजर। मुशाल मलिक को विमेन एम्पावरमेंट महकमे की भी जिम्मेदारी। 2009 में मुशाल की यासीन मलिक से हुई थी शादी। भारत की जेल में उम्र कैद काट रहा है यासीन मलिक। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 6.3 आंक की गई तीव्रता। बोगोटा से करीब 160 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में था भूकंप का केंद्र। जमीन के करीब 10 किलोमीटर नीचे उठी थी तरंगे। भूकंप के झटके से हिली बोगोटा की इमारतें। लोग घरों और दफ्तरों से निकलकर सड़क की तरफ भागे। मलेशिया के सेलंगोर में एक छोटा प्लेन हाईवे पर गिरा। हादसे में 10 लोगों की मौत। हाईवे पर विमान की चपेट में एक कार और एक बाइक भी आ गई। कार और बाइक चालक की मौत। इजरायली फोर्स ने वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में की रेड। एक फिलिस्तीनी शख्स की मौत। इजरायली फोर्स ने रेड का वीडियो किया जारी। एक मकान में घुसते नजर आए इजरायली सैनिक। इजरायली सेना के मुताबिक 2 संदिग्ध आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान फायरिंग। जवाबी फायरिंग में एक शख्स की मौत। मारे गए शख्स के किसी संगठन से जुड़े होने की अभी जानकारी नहीं। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने जेनिन में इजरायली सेना के साथ झड़प की पुष्टि की। इजरायल जर्मनी के बीच $3.5 अरब का सैन्य समझौता। पीएम नेतन्याहू ने दी जानकारी। नेतन्याहू ने कहा इजरायल जर्मनी को देगा एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इजरायल के इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य डील बताया। पश्चिमी अफ्रीकी देश केप वर्डे में डूबी प्रवासियों से भरी नाव। सेनेगल के करीब 60 प्रवासियों की मौत। नाव में सवार थे 100 से ज्यादा सेनेगल के प्रवासी। स्पेनिश जहाज ने बचाई 38 लोगों की जान। रेस्क्यू टीम ने अब तक 7 लोगों के शव बरामद किए। लापता 56 लोगों के मारे जाने की आशंका। अमेरिका के हवाई द्वीप के लाहिना का एरियल वीडियो आया सामने। जंगल की आग में पूरा शहर तबाह नजर आया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को के लुहांस्क और डोनेस्क से जोड़ने पर जोर दिया। हाई स्पीड रेल रूट बनाए जाने की कही बात। पॉप सुपरस्टार ब्रिटनी स्पीयर्स की तीसरी शादी टूटी। खबरों के मुताबिक ब्रिटनी के पति सैम अस्करी ने तलाक की दी अर्जी। फिल्म जेलर के कवाला गीत पर यूट्यूब मेयो के साथ थिरके जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी। खुद को बताया रजनीकांत का फैन। कानपुर में गदर 2 देखने के दौरान मॉल में हुआ एसी बंद। लोगों ने पैसे वापस मांगे तो मौके पर हुई हाथापाई। और कार के ऊपर बैठकर स्टंटबाजी करना पड़ा भारी। नोएडा पुलिस ने किया 26,000 रुपए का चालान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।